पूजा घर में वास्तु के इन नियमों की अनदेखी कर दी है ना, तो भाई आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। स्वागत है सभी का, आज हम जानेंगे वैदिक टीवी में कि पूजा में वास्तु के नियम क्या होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख रहे हैं आप मेरे साथ, मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त मेघा। हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार, राधे राधे। हिंदू धर्म में नियमित रूप से भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस संसार के कण कण में भगवान रहते हैं। भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मकता आती है। हर एक हिंदू के घर में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए एक पूजा स्थल यानी मंदिर होता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो आज हम आपको वास्तु के कुछ नियम बताएंगे, फटाफट से आप पेन कॉपी लेकर उसे नोट कर लें। पहला है, पूजा का स्थान सबसे पवित्र शुद्ध जगह पर हो। पूजा स्थल पर कभी पूजा की सामग्री टूटी फूटी ना हो। दूसरा, कभी भी कोई भी पूजा स्थल पर बिना नहाए किसी भी सामान को ना छुए। साथ ही सुबह और शाम के समय दीपक जरूर जलाएं, इसके अलावा घंटी और शंख भी बजाएं। तीसरा, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता कहा गया है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले, पूजा या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। ऐसे में पूजा स्थल पर भगवान गणेश की मूर्ति अवश्य रखें। वास्तु में भगवान गणेश की मूर्ति सकारात्मकता का प्रतीक होती है। चौथा, पूजा स्थल पर भगवान गणेश की प्रतिमा को माँ लक्ष्मी की मूर्ति के बाईं ओर यानी उल्टे तरफ रखें। इसके अलावा जब भी भगवान गणेश की मूर्ति खरीदें तो हमेशा बैठे हुए गणेश की मूर्ति ही खरीदें। पांचवा, भगवान गणेश के साथ हमेशा माता लक्ष्मी की मूर्ति को जरूर रखें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति होने से घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास रहता है और इनकी मूर्ति भी आप बैठी हुई अवस्था में ही खरीदें। छठा, पूजा स्थल पर कभी भी दिन के चढ़ाए हुए फूलों को ना रखें। हर रोज मंदिर की साफ सफाई करें और रात को जब आप सोने जाएं उससे पहले फूल हटा दें। सातवा, अपनी कुल देवी या देवता की मूर्ति को जरूर रखें पूजा स्थल में और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। इसके अलावा पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, ये सभी तरह के कष्टों का फौरन निवारण करते हैं। हर मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आठवा, आप पूजा घर में शिवलिंग भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का आकार ज्यादा बड़ा ना हो। शिवलिंग का आकार आपके तीन उंगली के समान हो यानी तीन उंगल हो। नौवा, घर पर बने पूजा स्थल में अपने मृत परिजनों की तस्वीर बिल्कुल ना रखें। अपने पूर्वजों की फोटो को हमेशा दक्षिण दीवार पर लगाएं, पूजा स्थल पर नहीं, क्योंकि पूजा स्थल दूसरी दीवार पर होता है। दसवा, शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को घर पर नहीं रखा जाता। शनिदेव, काली माता, भैरव बाबा की मूर्ति को पूजा स्थल पर नहीं रखते। इन देवी देवताओं का स्वभाव बहुत ही उग्र क्रोधित होता है, इसलिए घर में इन्हें रखना, इनकी पूजा करना कठिन माना गया है। और आजकल वैसे भी इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरे श्रद्धा भाव से पूरे तौर तरीकों से पूजा करें। हमेशा कहीं ना कोई गलती रही जाती है। ऐसे में इन देवी देवताओं की अगर पूजा करेंगे तो और ज़्यादा गलत होगा। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुँचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। नियम बताने का उद्देश्य हमारा इतना था कि आपको जानकारी मिले। आपको नियम मानने हैं नहीं मानने हैं ये आप पर है। राधे राधे।